मन में कुछ बड़ा करने का जुनून हो, हौसले बुलंद हो, तो मंजिलें खुद ही रास्ते दिखा देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं News 24 हिमाचल। गौरवान्वित करने वाली ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मतियाना से, पद्मावती सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल मतियाना, जहाँ की ऐशिका वर्मा इस स्कूल की छात्रा थी, जिसने नीट में अच्छे अंक लेकर सफलता हासिल की है और अपने साथ माता पिता स्कूल का साथ साथ पूरे मतियाना क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं News 24 हिमाचल पर। भव्य स्वागत स्कूल प्रबंधन द्वारा यहाँ पर ऐशिका का किया जा रहा है। उसके माता पिता उनके साथ है, नरेश वर्मा जो ऐशिका के पिता है, IPS डिपार्टमेंट में कार्यरत है, उनकी माताजी भी साथ है, और स्कूल प्रधानाचार्य भूपेंद्र शर्मा और अन्य स्टाफ के लोग फूलमालाओं के साथ स्वागत कर रहे हैं और चरण वंदना ऐशिका अपने सभी शिक्षकों गुरुजनों की कर रही आशीर्वाद ले रही है। और जो ये खुशी की बात है पूरे मतियाना क्षेत्र के लिए, अगर हम बात करें नीट परीक्षा में अच्छे अंक के साथ सफलता हासिल करना बेहद बड़ी बात जरूर है, कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस जरूर ये शिक्षक कर रहे हैं जिन्होंने ऐशिका को पढ़ाया है। और हम आपको बताते चले कि ऐशिका नर्सरी क्लास से जमा दो क्लास तक प्लस टू तक की पढ़ाई इसी स्कूल में की है, सरस्वती विद्या मंदिर मतियाना का जो स्कूल है। और खुशी आप जरूर प्रधानाचार्य भूपेंद्र शर्मा और अन्य जो स्टाफ के शिक्षक हैं उनके चेहरों पर भी जरूर देख रहे होंगे, हर्षो उल्लास का जरूर यहाँ पर समा बना हुआ है। सारे स्कूली बच्चे स्वागत के लिए खड़े हैं और प्रेरणा जरूर बनी है ऐशिका वर्मा की। अगर हम बात करें पूरे मतियाना क्षेत्र के लिए, युवाओं के लिए, कि अगर कड़ी मेहनत और लगन करते हैं तो कहीं ना कहीं सफलता आपको जरूर मिलती है। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन द्वारा क्लिंडा मतियाना पंचायत प्रधान रीता गंगरोटा का स्वागत भी किया गया और स्कूल प्रबंधन द्वारा ऐशिका के माता पिता का स्वागत भी किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, छात्रा को विद्यालय में जब मुझे सूचना मिली कि छात्रा ने नीट क्वालिफाई किया है और मेडिकल कॉलेज में छात्रा ने अब प्रवेश करना है, सूचना मिली तो एक उद्देश्य रहा कि छात्रा को सम्मानित करने का। और उस थोड़े से समय में ये प्रयास किया, कोशिश ये है कि शायद आप में से भी और कोई छात्र, ये छात्र भी इसी तरह से जैसे यहाँ बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, जब ये हमारे पास 14 वर्ष पहले पढ़ने आई थी, 12 साल इस विद्यालय में रही, आगे फिर कोचिंग करने गई, तो ये छात्र भी इसी तरीके से जैसे ये छोटे छोटे बच्चे हैं वैसे ही थे। बुलाने का जो विशेष उद्देश्य यही है कि आपको एक प्रेरणा मिले, हमें हमारे मतियाना में, हम भी स्थानीय ग्रामवासी है, हमें भी एक हौसला मिलता है कि हम अध्यापकों के लिए भी एक हौसला मिलता है कि हम भी अपने बच्चों को इसी तरीके से जैसे ये छात्रा को हमने बनाया वैसे हम आपको बनाएं, ताकि आप भविष्य में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाएं, अपनी मेहनत से लगेंगे। विशेष निवेदन, अब थोड़ी सी प्रक्रिया सम्मान करने की प्रक्रिया के तौर पर मैं आदरणीय श्रीमती रीता गंगरोटा जी से निवेदन करता हूं कि वो आगे आए और हमारी छात्रा को सम्मानित करें। सामने को स्वागत कीजिए, हौसले हिम्मत दिखाएं, से भी छात्र हिम्मत दिखाएं, देखिए ये छात्र बहुत खुशी का पल है, आज बहुत ही खुशी का पल है, इसने इस विद्यालय का नाम रोशन किया और गांव का नाम रोशन किया, माता पिता का नाम रोशन किया। जो ड्रीम चुने हैं आप उनके लिए बहुत ही मेहनत करेंगे और मेरी तरह आप भी उन्हें एक दिन पा लेंगे, बस थैंक यू। विशेष निवेदन रहेगा हमारे पंचायत के प्रधान श्रीमती रीता गंगरोटा जी से,
वो भी मंच पर आए और हमारे बच्चों को प्रेरणादायक शब्दों से उनका हौसला बढ़ा। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और इस स्कूल के सभी टीचरगण, छोटे छोटे प्यारे बच्चों, ऐशिका और उसके पेरेंट्स, मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने अपना समय दिया, यहाँ पे आए। सबसे पहले मैं ऐशिका को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ। इस बच्ची ने वह मुकाम हासिल किया है, मतियाना का नाम रोशन किया है। एक बार ऐशिका के लिए जोरदार तालियां प्यारे बच्चों। और आप लोगों को आज ऐशिका का यहाँ बुलाने का मकसद यही है सर का, कि आप भी सीखें इस बच्ची ने क्या किया है। इसने बताया बच्ची ने कि मैं भी यहाँ इस तरह से बैठती थी, सर पूछते थे। बच्चों आपने भी ये सीख लेनी है कि अब हमने क्या करना है, हमें आगे क्या बनना है, अपनी मोटी पे अपनी अभी से सोच रखनी है कि हमने क्या करना है और क्या बनना है। तो मैं होप रखती हूँ कि आप लोग आज ऐशिका से जरूर सीख के जाएंगे सभी बच्चे। तो मैं ज्यादा सर कुछ नहीं बोलूंगी, बस यही है कि इसी तरह से हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहे, बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है इस विद्यालय के लिए और इस इलाके के लिए। आप लोगों का सर, पूरे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज ऐशिका वर्मा। आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ पद्मावती सरस्वती विद्या मंदिर मतियाना। आई हैव रिसेंटली पास्ड माय नीट एग्जाम। So today, I would like to express my thanks to all of my teachers who have supported and guided me throughout all these years. I would also like to thank my parents and my family who have always supported and motivated me to achieve my dreams. Thank you so much. Bhushan Jewelers, anmol rishton ke liye.